अजमेर के वैशाली नगर के लोगों ने पेयजल समस्या के चलते जलदाय विभाग के सामने रोष जताया है। इस दौरान वार्ड नंबर 60 के क्षेत्रवासियों के साथ पार्षद चंद्रेश सांकला ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और अर्धनग्न होकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। पार्षद चंद्रेश सांकला ने बताया कि गणपति नगर, अलकंदा कॉलोनी, आजाद नगर, मित्र नगर सहित कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और इसके कारण लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। और ये 2 महीने से जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तब से वार्ड 60 में जगह जगह पूरी तरह से पानी की सप्लाई इनकी फेल हो गई है। इनकी सप्लाई 72 घंटे के बजाय 84 से 96 घंटे में चली गई है। 30 मिनट पानी देते हैं और बिना प्रेशर के पानी देते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हमारे है वो हमारी मातृशक्ति को है। मातृशक्ति हमारी बहुत परेशान है इस चीज़ से कि पानी भरता नहीं है और टैंकर के 250-300 रुपये उनको हर दूसरे तीसरे दिन खर्च करने पड़ते हैं। अब एक मीडियम परिवार होगा तो अगर वो महीने के 2000 रुपये इसमें टैंकर में 2500 रुपये खर्च करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसी के निवेदन तहत हम आज आए, अर्धनग्न हमने प्रदर्शन किया और हमने इनको साथ में चेतावनी दी कि आने वाले 5 से 7 दिनों में अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा। उसके बाद हम पूरा धरना प्रदर्शन चालू करेंगे और कलेक्ट्रेट में सारी जनता